भोपाल रोड पर दूसरी चोरी को चोरों ने अंजाम दिया है। ज्ञात रहे कि भोपाल रोड पर यह दूसरी चोरी हुई है। इससे पहले विगत दिन ही पूर्व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर पर चोरी हुई थी। वही शासकीय राजीव गांधी अस्पताल में स्टाफ नर्स के यहां चोरी की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है। चोरी में 80,000 नकदी सोने की चैन, झुमकी, टॉप्स और तीन जोड़ी पायल चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। पीड़िता के मुताबिक लगभग 4 से 5 लाख रुपए की चोरी होने का बताया जा रहा है। विदिशा से सलमान खान की रिपोर्ट। गीता हेरवार, स्टाफ नर्स। आपके यहाँ क्या घटना हुई है? चोरी की घटना। क्या क्या सामान चोरी हुआ है? एक सोने की चेन और कान की झुमकी और टॉप्स सोने के। कितने का तक का? 5 लाख तक का करीबन। कहीं थी या आप यहाँ पर थी? मेरी ड्यूटी कल 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक थी, तो मैं आज 8:30 बजे समथिंग आई ड्यूटी से। नकदी लगभग कितना गया? नकदी 80,000 से। शासकीय अस्पताल परिसर में एक गीता हेरवार करके स्टाफ नर्स है, कल उनकी रात्रि ड्यूटी थी हॉस्पिटल में। चूँकि अभी वो F1 मकान है उनका शासकीय मकान, उसमें अकेले ही निवास करती हैं। सवेरे जब वो वापस अपने घर आई तो देखा उनके गेट के मेन गेट के ताले टूटे पड़े थे। उन्होंने जाके देखा तो अंदर अलमारी में उनका सामान फैला पड़ा था। और सूचना पर 100 डायल की सूचना पर मैं भी वहाँ पहुँचा और मैंने वहाँ देखा। चूँकि उनके घरों में CCTV कैमरे लगे हुए, तो हमें थोड़ी सी मदद उन फुटेज के जरिए मिल रही है और अभी हम संदेहियों को राउंड अप करके हम पूछताछ कर रहे हैं। सिरोंज के मुख्य कस्बे में तो हमने अभी ऐसी वारदात में नहीं होने दी, क्योंकि ये आउटर और एकांत एरिया है। अब जब 2 चोरियों की ऐसी सूचना मिली है और हम लोगों को डिटेक्ट हुआ, अब हम उसमें आउटर में भी गश्त, निरंतर गश्त लगाना प्रारंभ करेंगे। उन्होंने कुछ सोने के जेवर और 80,000 रुपये